नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। स्लगटेरा, नाइस आइडिया वोपी। तो आज हम बात करेंगे स्लगटेरा बंद क्यों हुआ, स्लग्स मरते कैसे हैं, शेन फैमिली का क्या राज है एंड और भी बहुत सारे करेक्टर फैक्ट्स के बारे में। वीडियो को बनने से पहले थोड़ा सा ज्ञान विसर्जन। स्लगटेरा के क्रिएटर का नाम है असाप फिप के। इसका सीजन 5 है जिसमें से 48 एपिसोड्स हैं एंड 5 मूवीज हैं एंड ये कार्टून कनाडा के अंदर बनाया गया था। फैक्ट नंबर 10, स्लगटेरा वर्ल्ड में स्लग्स के 5 मेन टाइप होते हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड एनर्जी। ये इनके बेसिक एलिमेंट होते हैं। इनके अलावा इनके सेकेंडरी एलिमेंट होते हैं मेटल, टॉक्सिक, आइस, प्लांट, शैडो एंड साइकिक। एंड इनके एलिमेंट्स पे इनकी पावर डिपेंड करती है। इनका एलिमेंट जितना पावरफुल होगा स्लग्स भी उतने पावरफुल होंगे। अगर आपको अभी भी पल्ले नहीं पड़ा तो समझ लीजिए जैसे पोकेमोन की टाइपिंग होती है एग्जैक्ट सेम स्लग्स की वो टाइपिंग होती है, जिनको एलिमेंट्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, अब हम बात करेंगे हमारे बहादुर इलाई के बारे में। इला को पैसों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, उसको प्यार है अपने फ्रेंडशिप एंड स्लग्स से। इलाई स्लग्स को बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता था, जैसे कि आपने कार्टून के अंदर देखा ही होगा। इलाय स्लग्स से बहुत प्यार करता है एंड दैट्स वाई उनको वो नाम भी देता है। इलाय शेन कभी भी स्लग्स को जबरदस्ती नहीं पकड़ता, अगर स्लग की राजी है तभी इलाय शेन उसको पकड़ेगा, नहीं तो नहीं। फैक्ट नंबर 8, शेन गैंग में इलाय के अलावा 4 और मेंबर्स हैं, प्रोंटो। ये एक बहुत नॉलेजेबल मोलोनॉइड है जिसको स्लगटेरा वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता है। इतना ही नहीं, ये मोलोनॉइड्स का किंग भी है। शेन गैंग के सेकंड मेंबर है ट्रिक्सी, जिसका ड्रीम है स्लग्स के ऊपर एक डेडिकेटेड मूवी बनाना, जिससे लोगों को समझा पाए कि स्लग्स की ये फीलिंग होती है एंड दैट्स व्हाई हमको स्लग्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। स्लग्स को किसी वेपन की तरह नहीं बल्कि अपने फैमिली मेंबर की तरह समझना चाहिए एंड यही सब बातें ट्रिक्सी अपने मूवी से लोगों को बताना चाहती है। शेन गैंग का थर्ड मेंबर है कॉड। ये एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक है एंड ये मैथ को अपग्रेड करता है शेन गैंग के लिए। इतना ही नहीं, ये ब्लास्टर को और फंक्शनेबल बनाता है ताकि स्लग्स इसके अंदर कंफर्टेबल रह सके। शेन गैंग का फोर्थ एंड लास्ट मेंबर जूनजी, ये ईस्टर्न रियलम का एक हीरो है एंड ये मिस्टीरियस आर्ट स्लगफू में मास्टर है एंड जूनजी ने स्लगफू मार्शल आर्ट शेन गैंग को भी सिखाया है। एंड इसकी सबसे स्पेशल बात, ये मिस्टीरियस शैडो क्लैन के लोगों से बात कर सकता है उनकी लैंग्वेज में। फैक्ट नंबर 7, स्लगटेरा वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक क्रीचर्स हैं शैडो क्लैन के लोग। ये लिम्बो लाइक क्रीचर्स हैं जिनका कलर ब्लैक एंड शाइनी ग्रीन होता है। सपोज ली इनका कनेक्शन शेन फैमिली से है, ये शेन लोगों की बहुत इज्जत करते हैं एंड ये लोग स्लग से उनकी लैंग्वेज में बात भी कर सकते हैं। एंड ये भी माना जाता है कि स्लगटेरा वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले लिविंग क्रीचर शैडो क्लैन के लोग ही थे। फैक्ट नंबर 6, डॉक्टर ब्लैक स्लगटेरा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन है एंड स्लगटेरा के लोग डॉक्टर ब्लैक की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जो जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। डॉक्टर ब्लैक का मेन मोटिव है स्लगटेरा वर्ल्ड पर रूल करना एंड मैजिकल स्लग एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना, जो कि स्लगटेरा वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करती है। डॉक्टर ब्लैक अपने डार्क साइंस की मदद से अपने स्लग्स को गूगल में ट्रांसफर कर देता है। फैक्ट नंबर 5, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, गूल स्लग्स या फिर नॉर्मल स्लग? तो इसका आंसर है सबसे पावरफुल स्लग्स हैं गूल स्लग्स। लेकिन गूल स्लग्स के साथ बहुत प्रॉब्लम है, ये बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, ये कभी भी आप पे हमला कर सकते हैं। लेकिन ये स्लग्स स्लग के बदले के लिए बेस्ट स्लग्स हैं, ये बहुत ही अग्रेसिव है, बहुत पावरफुल हैं। नॉर्मल स्लग्स से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं एंड इनकी एक और प्रॉब्लम है, ये अपने ट्रेनर से उतना बॉन्ड नहीं बना पाते हैं एंड कई बार उन पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन गूल स्लग्स को बॉन्डू स्लग्स से ठीक किया जा सकता है। गूल शब्द अरेबिक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है अरेबिक मैथोलॉजी का एक मॉन्स्टर। फैक्ट नंबर 4, कभी आपने सोचा है सबसे रेयर स्लग्स कौन से होते हैं? तो सबसे रेयर स्लग्स होते हैं इन्फ्रुनेज, क्रिस्टाइल्ड, इनिगमो, हाइपनोग्रिफ, पेपर स्लग्स एंड नॉरवेल्डल। ये स्लग्स बहुत ही रेयरस्ट होते हैं, रेयर के साथ साथ ये बहुत पावरफुल होते हैं एंड अगर आपको ये स्लग्स मिल गए तो समझ लीजिए आपकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला हु हु झिंगा लाला हु हु। अरे क्लो, अब क्या हुआ तेरे को? कुछ नहीं, बस डांस कर रहा हूँ। पहली फुर्सत में निकल। फैक्ट नंबर 3, आखिरकार स्लगटेरा बंद क्यों हुआ? पहली बात, इंडिया के अंदर कभी भी स्लगटेरा पूरा नहीं दिखाया गया है एंड दूसरी बात, ये बंद नहीं हुआ है, इसके ऊपर काम करना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है कि ये शो बंद हुआ है, कैंसिल हो गया है या फिर इसके ऊपर काम करना उन्होंने छोड़ दिया है। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, तो जब टीम को लगेगा कि हाँ भाई अब इसके ऊपर काम करने का सही वक्त आ गया है तभी उसके ऊपर काम करेंगे।
तो सिंपल इसका मतलब है जब उनका मन करेगा तब उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। फैक्ट नंबर टू, आई एम श्योर आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आखिर मेगामॉर्फ होता क्या है। तो आसान शब्दों में जैसे बैटमैन के अल्टीमेट एलियंस होते हैं वैसे ही अल्टीमेट स्लग्स कह सकते हैं आप इनको। मेगामॉर्फ करने के बाद स्लग बहुत ही पावरफुल हो जाता है, उसकी एबिलिटी एंड पावर की एवरेज बहुत ही बूस्ट हो जाती है। मेगामॉर्फ करने के लिए 2000 पर हावर की स्पीड में स्लग को शूट करना पड़ता है। अगर आपके पास स्लग्स ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तब आपके स्लग्स मेगामॉर्फ नहीं कर पाएंगे। फैक्ट नंबर वन, सबसे मिस्टीरियस फैमिली यानी कि शेन फैमिली। शेन फैमिली का क्या राज है, ये क्यों स्लगटेरा वर्ल्ड को प्रोडक्ट करते हैं एंड एक कैसे स्लगटेरा में एंटर हो जाते हैं, क्यों ऐसा क्यों है? सस्पेंस से बात मत कर, अपनी भाषा में समझा। तो ठीक है, शेन फैमिली के बारे में कभी भी कार्टून के अंदर खुल के नहीं बताया गया है। शेन फैमिली के बारे में बस हमको इतना पता है ये लोग स्लगटेरा वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं एंड ऐसा क्यों करते हैं इसके पीछे मैंने एक थ्योरी बनाई है। शेन गैंग के पूर्वज स्लगटेरा में रहते होंगे एंड किसी कारणवश वो हमारे अर्थ पे आ गए एंड उन्होंने फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को कहा होगा कि आप लोगों को स्लगटेरा वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है एंड दैट्स व्हाई स्लगटेरा वर्ल्ड को शेन फैमिली प्रोटेक्ट करती है। कार्टून के अंदर हमको सिर्फ 3 शेन ही दिखाए गए हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट ईलाई शेन जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, विल शेन ये शेन फैमिली का हिस्सा है एंड ईलाई के डैड है एंड एक टाइम पे ये स्लगटेरा वर्ल्ड के प्रोटेक्टर हुआ करते। स्लगटेरा की रक्षा करते करते ये डॉक्टर ब्लैक के साथ फाइट करते हुए हमेशा के लिए गायब हो गए। आखिरी एंड लास्ट शेन जिमो शेन, इसने ईलाई की परवरिश की है एंड ये विल शेन का चाचा एंड ईलाई का ग्रैंड अंकल है। इसके बारे में कार्टून के अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है, बस इतना ही बताया गया है कि इन्होंने ही ईलाई की परवरिश की है। बस भाई बस, मैंने बहुत रिसर्च की लेकिन इतना ही पता लगा शेन फैमिली के बारे में, कभी इसके बारे में खुलकर बात की ही नहीं गई है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड ये भी जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। एंड जब आप कमेंट करते हैं कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो इस बचाइए इस कार्टून में बचाइए तो उसके सामने प्लीज़ हैशटैग का यूज़ करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जैसे हैशटैग स्लगटेरा, हैशटैग बैंटेन या फिर कुछ और, तो हैशटैग का यूज़ करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मित्र की तरफ से टाटा बाय बाय।